परमदयाल जी महाराज मानस कलंदर चार को 14 दिसंबर 1970
जागने का वक्त आ गया। क्योंकि मेरा रूप प्रकट हुआ तुम्हारे अंदर, तुमने भी मेरे सत्संग सुने और तुम मेरे बंधन में आ गए। मैं खुद इसी तरीके से 1905 में जब संसार में दुखी था, अशांत था, एक दृश्य द्वारा दाता का रूप प्रकट हुआ, उनके बंधन में आ गया। मैं ही नहीं आया, ये तमाम मानव जाति कोई राम के बंधन में, कोई कृष्ण के बंधन में, कोई हजरत मोहम्मद के बंधन में, कोई गुरु नानक के बंधन में, कोई हनुमान के बंधन में, कोई ईसा मसीह के बंधन में, इन बंधनों का नतीजा भारत वर्ष के इंसानी नस्ल का मत भी ताल से बच जाना। बंधन में आनंद भी है, खुशी भी है। बंधन में आनंद भी है, खुशी भी है। ये कौन कहता है कि बंधन में सुख भी है, आनंद भी है। ये बंधन को अगर कोई निर्बंध पुरुष नहीं मिलता, जो इंसान के बंधनों को जला दे, उसको शांति। बंधन में आनंद है, मगर उस आनंद का नतीजा दुख भी है। आदमी आरोप के बंधन में फंस जाता है, आनंद लेता है, खुशी लेता, काम खोजता, मगर समय के बाद वही स्त्री जब बंधन का कारण हो जाती है तो मुसीबत की ले आती है। ऐसे ही दौलत का बंधन, दौलत के बंधन के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। ये संसार ही ऐसा है, मगर जब ये बंधन गहरा पड़ जाता है, ये भी दौलत आदमी के दुख का कारण बन जाती है। तो मैंने अपनी जिंदगी में बंधन में फंसा हुआ था, वो बंधन मेरे आनंद का कारण, खुशी का कारण, प्रेम का कारण, भक्ति का कारण भी बना। मगर अज्ञान की वजह से शांति नहीं मिली। कुदरत ने इस वास्ते बना के इस संसार में संसर्गी वक्त की हैसियत में भेजा है कि मैं संसार के प्राणियों को
बंधन का सुख और बंधन के सुख के रूप बता दें। बंधन रहे मगर बंधन को गले का हार नहीं बनाना चाहिए। बंधन हम इस वास्ते बनते हैं कि हमको सुख खुशी आनंद मिले, मगर अगर उस बंधन के रूप को नहीं समझा हुआ तो बंधन समय पर आकर हमारे दुख का कारण बन जाता है। इंसान किसी मजहब में, किसी पंथ में बन जाता है। अगर उस बंधन के रूप का पता नहीं है उसमें साक्षर आ जाता है, पक्षपात आ जाता है, फिर मजहब वालों के आपस में झगड़े होते हैं, फटते हैं। ऐसे ही स्त्री जाति स्त्री का बंधन, दौलत का बंधन, पुत्र का बंधन, मजहब का बंधन, धर्म का बंधन, कर्म का बंधन, बंधन के व्यवहार तो गुजारा नहीं है मगर बंधन के रूप को समझे। इसलिए संघ से संघ में आए थे। मैंने उस बंधन के रूप को बताने के लिए अपने जीवन में काम किया। शिव त्याग मनुष्य बनो, ये आप लोगों की देख रिकार संदीप में मजबूर देखता हूँ। अपने स्वास्थ्य कैसे फल करते सिर्फ इस ख्याल से कि जीवों को जो इस मोह भरम और बंधन इन दुखों से दुखी हो जाते हैं उनको बंधनों का रूप पता लग जाए तो वो बंधन में रहते हुए निर्बंध हो जाए। बंधन जब तक जिंदगी है बंधन के बगैर गुजारा नहीं। ये संसारी माया का है, काल का है, यहाँ बंधन के बगैर गुजारा नहीं है मगर उसके रूप को पहचान लिया जाए। यही नामा है गुरु। एक तो एक बंधन में तुम आए, दूसरा बंधन तुमको क्या है। कल तुमने मुझको बोला मैंने अनघ्रिया देवा पर दर्शन कराया। तुमने कहा मैं कल से शब्द को रात से तलाश करता था, दादाजी को कहूंगा तो इस पर दर्शन मुझे तो पता नहीं। मैं कल घर के मानसा मंदिर में आया, भंडारों को बोला, यू शब्द ने कहा और तुम बड़े चकित हो गए, हैरान हो गए कि बाबा ने जो कुछ मेरा अपना ख्याल था उसी पर प्रसन्न करा दिया और तुम मुझे अंतर्यामी समझने लगे। और भारतवर्ष के मानव जाति मेरे शरीर को कुछ परिवर्तन में झूठ बोली। मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारा संकल्प है या तुम्हारी इच्छा है। वो स्वाभाविक ही
क्योंकि रात को मैंने एक स्वप्न देखा था जैसा मैंने कल ध्यान किया, क्योंकि अनुभव वो था उस पर आधार पर मैंने उस सब को कहा निकाले और सत्संग करा दिया। अगर तुम या दूसरे आदमी ऐसे वाक्यात मेरे साथ हर रोज होते रहते, ऐसा समझ करके मुझको अंतर्यामी समझ के समझोगे तो तुम गलत की करके मेरे बंधन में आ जाओ। तो गुरु का क्या काम है करो, क्या समझ है पहला गुरु मिला तब जाने हर के चौक जाते नहीं तब गोरे आपे आप। ये असली और सच्चा सद्गुरु है भारतवर्ष के आदमियों, तुम्हारा अपना ही निज स्वरूप है, क्योंकि तुमको या जीवों को अपने ही निज स्वरूप का ज्ञान नहीं है, इसलिए अपने आप को भूल कर हम संसार के बंधनों में आ जाते हैं। अब तुम सवाल करो कि ऐसा क्यों होता है। इस संसार के अंदर इंसान खुद पूर्ण है, ये मालिक की अंश है, इसके अंदर जो शुद्ध रहती है वो उस परम तत्व आधार की अंश है। वो एलिगेशन के सिलसिले में इस शरीर में आ जाती है और अनेक प्रकार के बंधनों में फंस जाती है, इनसे निकलना मुश्किल हो जाता। उसके निकालने के लिए हमेशा वो ताकत जिसको सत्ज्ञान कहते हैं, मुख्य रूपों में समय समय पर प्रगट होकर जो इस तरह से अशांत दुखी भ्रांतवादी होते हैं उनके सुधार के लिए प्रगट होती है। डिमांड एंड सप्लाई का कानून इस संसार में काम करता है। ये सब संसार धारों और किरणों बूंदों का बना हुआ है, ऊपर के लोगों में भी और नीचे के लोगों में जैसी जैसी वासना किसी की होती है इसके मुताबिक उसको वासना को पूरा करने के लिए कुदरत खुद खुद इंतजाम करती है। क्योंकि तुम्हारे अंतर में वो करार था अपने चंद बुरे कर्मों की वजह से और तुम इस शरीर को त्यागना चाहते थे, तो जहां से वो ख्याल जो दुखी करने वाला था उसको दूर करने का प्रयास कुदरत ने तुमको देना था, इसलिए तुम तुम्हारे अंतर में कुदरती नियम के अनुसार मेरा रूप प्रकट हुआ। मुझे कोई पता नहीं था ना मैं तेरे अंतर किया,
ये सारा संसार डिमांड एंड सप्लाई का है, मांगो और मिलेगा। तो मैंने ये काम जो किया है इसलिए किया, तुम मेरे पास आए मैंने तुमको आजाद करने के लिए काम सक्षम। कभी जिंदगी में मौका मिले तो इनको किताबी शक्ल दे देना, उस किताब का नाम रख देना पूरन ज्ञान। ये जितना संसार के अंतिम खेल है ये सब डिमांड एंड सप्लाई है, मांगो और मिलेगा। कभी तो मैं अपनी वक्त के संसदी की हैसियत में बहुत काम किया है, मगर दुनिया इसको सुनने के लिए तैयार नहीं। इनके दिलों के ऊपर मुख और भ्रम और अज्ञान अंधेरा छाया हुआ। मेरे घर में झूठे दाता जा रहे हैं, निबल अबल और ज्ञानी जीवों की मदद करने का हुक्म दिया था, इसलिए मैंने ये काम किया। तो अब कबीर कहता है गुरु से, गुरु क्या करता है? गुरु मिला तब जानिए मिटे मोह संताप, हरे से शोक जापे नहीं तब गोरे आपे आप। गुरु जब मिलता है डिमांड होती है उसको वैसा गुरु इस संसार में मिलता, जैसा जिसकी वासना होती है वैसा ही उसको गुरु मिला सकता। गुरु का एक रूप तो है नहीं, ये एक रूप है, अनेक रूप है। डिमांड तो पूरा गुरु कौन होता है जो पूरा ज्ञान देता है? नादी बिंदी बामिले कर कोई तखत तले का ना मिला जाते पूछूंगे। कबीर कहता है गुरु बहुत हैं संसार में, नाद और बिंदु का क्या मतलब है मुझे पता है। मैं ये समझता हूँ नाद वो है जो शब्द का अभ्यास करती है, बिंदु वो है जो ध्यान योग बताते हैं। बिंदु कहते हैं नृत्य को, ओम की बिंदु होती है। वो कहते हैं शब्द अभ्यास करने वाले बतेरे मिलते हैं, शब्द अभ्यास देने वाले बहुत गुरु मिलते हैं, ध्यान बताने वाले बहुत गुरु मिलते हैं, मगर सख्त तले का कोई सख्त तले का क्या मैं जो उस मालिक परम तत्व जो असली परम तत्व है, अकाल पुरुष, अनाम पुरुष, अगाध पुरुष, अपार पुरुष, जो उसके मातहत रहता है, ऐसा कोई तुम कहोगे तुमने जो शब्द अभ्यास देते हैं उनको भी अपनी अकली दलील से साबित कर दिया कि वो भी गलती पर है। मैं कहता हूँ गलती पर योग भी काफी नहीं है,
अनुभव की जरूरत। कल मारे दिन कोई सत्संग दिया था वो महीने का, स्वामी जी ने लिखा था ना, सुरत शब्द दो अनुभव रूपा, तू तो बड़ा भरम के गुरु। शब्द योग से जब तक अनुभव पैदा नहीं होता, जब तक शब्द योग भी दुख का कारण बन जाता है। शब्द योग या योग जितने भी हैं, ये मंजिल मकसूद नहीं है, ये मीन्स हैं, जरिए हैं ज्ञान की हासिल करने। ऐसा ही ध्यान योग है। ध्यान योग से शांति है, आनंद मिलता है, खुशी मिलता है, ठहराव मिलता है, मगर सिर्फ ध्यान योग के ज्ञान नहीं। ज्ञान के हासिल करने के लिए पूरे गुरु की जरूरत है। इसलिए मैंने दुनिया की मरामत सही, योग मुझे अहंकार नहीं कर, उसके जो नुकसान हो गए दुनियावी, जो मुझे अहंकारी समझते हैं वो मेरी बात नहीं समझते। और जो मुझे सचमुच ही अक्सर समझते हैं कि मैं सत ज्ञान दाता हूं, वो जो जाग सत्संग सुन के उनको एक किसी की तस्कीन अकली मिल जाती है, फिर वो आते नहीं। इसलिए मानवता मंदिर का काम नहीं चलता, ये नुकसान है। मगर मैं इस नुकसान की परवाह नहीं करता। मेरे सामने एक गिनती थी, ऋण था, मैंने उसको पूर्ण कर दिया, तो माँ के रहती हो। भरम है, अज्ञान है, उसको मिटाने की कोशिश करो, मगर रहो बंधन में। बंधन को तोड़ देने के बाद अगर बंधन में नहीं रहोगे तो जिंदगी सुखदायी नहीं गुजरेगी, बेलुत्फ हो जाएगी। ये मेरी जिंदगी का अपना तजर्बा। कभी दाता ने मुझको लिखा था एक खत में, ज्ञान पाओ अज्ञान बन, बल पाए निबल बन, बंधन में रहता हुआ निर्बंध बन। यह है नुक्ता संत मत का, ज्ञान पाए अज्ञान बन। समझता हुआ इंसान एक रात को फिर बंधन में रहे, तब उसका जीवन सुख से गुजर सकता है। जो कबीर कहता है कि पड़ोस कड़ी को वाहन ले कर चले गे छेद, कोई तखत तले का ना मिला जाते पूछो भेद। तो मैं क्या करता, मैं तख्त करेगा, मैं करता क्या हूँ उससे समय भेद देता, राग यही राजा स्वामी मत है। गुरु ने अब जीना भेद अगम का, सुरत जली कर देश भ्रम का, भटकन छूटा गैरो हरम का, संशय भागा जन्म मरण का।
भक्ति भाव की मेहमान यारी जानेंगे कोई संत बिचारी। तो गुरु का काम सच्चा भेद देना। तुम आए, ख्याल आया, 10-11 साल से तुम मेरे पीछे चुकते, मैं अपनी ड्यूटी को पूरी कर जाना चाहता। तुम्हारी समझ में आए मेरी बात या ना आए इसका मुझे पता नहीं, मगर ये जो कुछ मैं आज कहता हूं ये इशारे किताबों में दादा जा रहे सत्संगों में मुझे दिए हुए 1921 में भी, 1931 में भी, फिर भी जब कभी गया मेरे नाम सब लिख लिख के उन्होंने भर दी। उस वक्त का उनका हमदर्दाना सच्चा हित दिया हुआ, यानी नाम दिया हुआ, नाम है क्या सच्चा हित देना किसी को, सच्चा भाव देना किसी को आजाद करने के लिए, उस वक्त का दिया हुआ आज वर्षों लगे उसको डिवेलप करने के लिए। और मेरी बात समझ में आ गई, अगर इस वक्त तुम्हारी खोपड़ी में ना भी आए तो जिस तरह से गाता जाल ने मुझको मुख्तलिफ तर्ज़े बयानों से ज्ञान देने की कोशिश की, इस तरह से मैं हमेशा जब कभी तुम सत्संग में आते हो मैं अपने नियत से तुमको निर्बंध करने की कोशिश करता हूं। ये ख्याल दिया हुआ जाया नहीं जा सकता, जैसे कल पड़ा था भंडारों में दो महीने में, संत डारिया बीत जाए घट धरनी जीव के, को समरथ जो जार सके उस बीज को, कछु काल के माहिर बीजा अंकुर गए ऐसे ऐसे शब्द थे। तो ये जाया जाना नहीं चाहिए मेरा संस्कार दिया हुआ, क्योंकि मैं शुभ भावना से संस्कार देता हूं। तो सख्त तरह का कोई मिलता नहीं किसी को, इन लोग तो इन बातों से कि गुरु बाबा अंतर्यामी है, जीवों के अज्ञान का नाजायज फायदा उठाते हैं और अपना गलत मान और प्रतिष्ठा लेते हैं। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ लॉ ऑफ रेडिएशन काम करता है, संस्कार काम करते हैं। जैसे जिसकी खास होती है कुदरत में वैसा सामान आ जाता है। मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारा ख्याल है, क्योंकि मेरा हृदय शुद्ध है, इसके ऊपर दूसरों के ख्याल का शायद ऑटोमेटिक असर पड़ता हो, मुझे नहीं पता होता। मैं ये नहीं कहता कि दूसरे नहीं जानते होंगे, शायद दूसरे महापुरुष जानते होंगे कि इसके दिल का ये ख्याल है, इसके दिल का ये ख्याल है। मैं इसको अनुमान कहता हूं, मैं भी लोगों की फोटो देख करके कुछ भविष्यवाणी कर देता हूं, ये नहीं। और वो भविष्यवाणियों की सौ की सौ ठीक होती है। अगली कड़ी करो, सख्त तले की तो कहे जो सख्त तले का हो मरे, मंज महल की को कहे पर्दा का सोरे। वो कहते हैं वो जो असली राग है महल का, यानी कुदरत का, इतना पर्दा गया पड़ा हुआ है जीवों के दिलों के ऊपर, अज्ञान इतना फैला हुआ है कि वो जाता नहीं। मेरा नहीं गया परसों किसी को क्या था? ये तो किसी भागवान
जिस पर जरा आग कर जाती वो ये नियामत पाए उसके है। तो इससे ज्यादा और मैं कुछ कहना नहीं चाहता। कहने को तो मेरे दिमाग में तो मंजर लहराता है। एक मजमून पर महीना पर बोलता रहूं तो खत्म नहीं होता, मगर तुम्हारे लिए इतना बहुत कुछ मैंने कह दिया। अब आशीर्वाद देता हूँ, दादा ने मुझको आशीर्वाद दी थी कि राजा का जागर पारा। मैं तुमको कहता हूँ नाम भूल गया तेरा, भूख जिन जा कर सागर पारा। गुरु से प्यार बढ़ाया तूने, गुरु के लाभ व्यवहारा। ये गुरु चेला एक व्यवहार है, गुरु को अपने मान की जरूरत है, इज्जत की जरूरत है, दौलत की जरूरत है, चेले को अपने स्वार्थ की जरूरत है। ज्यादा फरमाते हैं गुरु से तूने प्यार बढ़ाया, गुरु चेला व्यवहारा। कट गई काल करण की फांसी, जन्म दीवार निहारा। आदे अगम अगम अपारा, नहीं कोई गुरु नहीं कोई चेला, आदे अगम अपारा। तो जब ये ज्ञान हो जाता है फिर न गुरु रहता है न चेला रहता है। एक तत्व है जिसके हर एक इंसान निकल के आया है। गुरु मिल जाता है किनको, जिनके अंतर सच्चाई की तलाश होती है उनको पूरा गुरु मिलता, पूरा ज्ञान मिलता। क्योंकि मेरे पास कितने आदमी आते हैं, ज्यादा ज्ञान के पास कितने आदमी जाते हैं, क्या सबको ये ज्ञान मिल गया? क्योंकि उनको इस ज्ञान की जरूरत है। जैसी जैसी जिसकी वासना होती है बीच राग पुरुष या मारा की पुरुष के पास से, वो अपनी वासना के मुताबिक जितना जिसका दर्शन होता है, जिस चीज के वो काबिल होता है उतना उतना वो दर्शन लेता है। मानव का मंदिर की मदद का हमेशा ख्याल रखते रहें, क्या दर्शन से हो सके। और मैं पूछू क्या कहूँगी, राजा राजा स्वामी करता हूँ, आज भी राजा स्वामी, अंत भी राजा स्वामी। पहले भी जात की, फिर पीछे से भी जात रह जाती है। ये मत की अवस्था में हम इकट्ठे होते हैं, कोई गुरु बन जाता है, कोई केजा, कोई बाप, कोई माँ, कोई चाचा, कोई दाया, कोई अक्षर, कोई माता है, सब मित्र खबर होता है। आज में विराज रखा भी सब क्रम था, और पीछे से ही चल सबको राजा था। हाँ जी चलो बोलूं। मैंने अपने सत्संग में कबीर के इस शब्द का नाद बिंद बहुते मिले कर्त खजेजे छेक, ऐसा कोई ना मिला जो सच्चा देता भेद। मैंने इस नाद बिंदु का अर्थ किया है जो शब्द का अभ्यास देते हैं और जो ध्यान का अभ्यास देते हैं। दुनिया सुनने वाली हैरान होगी कि जो शब्द का अभ्यास देते हैं या ध्यान योग बताते हैं, ये कलेजे में छेक कैसे करते हैं। दुनिया को
पूरे ज्ञान का, पूरे गुरु का अनुभव नहीं है। कितने ही आदमी है जो ध्यान करने में थक जाते हैं, उनका ध्यान नहीं बनता, या शब्द सुनने के लिए सिर पीट पीट के मर गए, उम्रें गुजर गईं, उनका शब्द नहीं खुलता। तो उनके शब्द के ना खुलने और ध्यान की शक्ति के ना बढ़ने का जो दुख है, वो है कलेजे छेड़ करना। पूरा गुरु उसे कहते हैं जो इंसान को शांति दे दे, पूरा गुरु पूरा ज्ञान वो होता है जो इंसान को शांति दे दे। जो उसकी मोह मैया और भ्रम को दूर करके उसको तस्कीन कलब दे दे। इस संसार में अनेक प्रकार की प्रकृति वाले लोग हैं। कोई कर्म योग का अधिकारी है, कोई भक्ति योग का अधिकारी है, कोई ध्यान योग का अधिकारी है, कोई शब्द योग का अधिकारी है। इसलिए पूरा गुरु वो है जो जीव की प्रकृति को देखकर, उसके हालात को देखकर, उसकी नेचर की स्टडी करके उसको पीस दे दे। मकसद जिंदगी परम शांति और पीस है। मकसद जिंदगी साधन और अभ्यास नहीं है। जिस तरह से इल्मे तिब या जाति में मसले डॉक्टरी का मकसद जिस्मानी सेहत का देना है, खास दवाइयों का खाना नहीं है, किसी भी दवाई से किसी भी तरीके से व्यायाम से निर्चल किरो से होम्योपैथिक से किसी तरीके से जीव को सेहत देना ही डॉक्टरी असूल है या के नहीं है। ऐसे ही वो कबीर ने ठीक कहा है, सब दुनिया को जो एक ही रास्ता बताता है वो गुरु नहीं है। इस वास्ते गुरु मत में गुरु वाक्यम मूल मंत्रम है। गुरु का वचन, सत्संग का वचन ही मंजिल मकसूद है। इसका एक छोटी सी सबूत देता हूं। हमारे प्रेसिडेंट हैं मेजर जनरल जयसिंह, ये बड़े ऊंच कोटि की हस्ती है। 10-12 साल तक किसी चीज की तलाश में बड़े मुख्तलिफ सर्दियों के पास करते रहे, मकसद पूरा नहीं हुआ। यहां बैसाखी का सत्संग हो रहा था, मैंने किसी ने कहा बैसाखी का सत्संग होता, उसने कहा मैंने बड़े महात्मा देखे वह नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा जी तो वह जाके तो देखो। वो आया मेरे पास, से बड़ा प्रभावित हुआ, मेरे पास आया, कहते हैं महाराज ध्यान जिस तरह से लोग कहते हैं कृष्ण का ध्यान करो, गुरु का ध्यान करो, मुझसे नहीं होता। मैंने बड़ी 5-10 साल स्ट्रगल किया। मैंने कहा तू भक्ति योग का अधिकारी नहीं है, क्यों? मैंने कहा तुम्हारी सेहत बिल्कुल तंदुरुस्त है, तुम्हारा ब्रह्मचर्य कायम है,
तुमको दुनिया की कोई तकलीफ नहीं है, पैसा बहुत काफी है तेरे लिए। ये जो ये बता रखे हैं कृष्ण का ध्यान करो, गुरु का ध्यान करो, ये करो वो करो, तुम इसके मुस्तक नहीं हो, लाख कोशिश करते रहो, तुम्हारे लिए और योग है। बस वो मेरी इस एक बात पर प्रभावित हो गया और काफी मेरी सेवा करता, मकान के साल की जितनी सफाई है सब वो कराता, यहाँ का उसने मैनेजर प्रेसिडेंट पना कबूल कर लिया है, खिदमत करता है। ये है मेरे कहने का मतलब, पूरा गुरु पूरा सतगुरु पाया पूरी पाई युक्त संध्या खरंदिया करंदिया विचे पाई मुक्त। इस वास्ते गुरु की मामा सुखूब सिंह तुम आए, तुम्हारी प्रकृति के अनुसार जो कुछ मैंने कहना था तुमको कह दिया, सबको राजा था। आप अर्पण है ये मेरी, राम नहीं तन आप अर्पण है ये मेरी, मेरा नहीं तन आपका, ले लो चरणों में लगा लो, मेरा है नहीं मन आपका, ले लो चरणों में लगा लो, मेरा है मन आपका, मेरा तो कुछ भी नहीं है किस पद ममता करूं, मेरा तो कुछ भी नहीं है किस पद ममता करूं, आपका तन है मन है और धन है आपका, आपका तन है मन है और धन है आपका, मन की चंचलता से क्यों दुख दिए मेरा नहीं, मन की चंचलता से क्यों दुख दिए मेरा नहीं, योग युक्ति आपकी है और साधन आपका, योग युक्ति आपकी है और है साधन आपका, आपके अर्पण है ये मेरा नहीं तन आपका, ले लो चरणों में लगा लो, मेरा है मन आपका, भूलती मैंने जो समझा मेरे ही देह मन, भूलती मैंने जो समझा मेरे ही देह मन, अब तो ये सिर झुक रहा है और चरण है आपका, अब तो ये सिर झुक रहा है और चरण है आपका, आपके अर्पण है ये मेरा नहीं तन आपका, मेरा आपके अर्पण है ये राधा स्वामी। मौज की अब तक न आई थी समझ, राधा स्वामी मौज की अब तक न आई थी समझ, स्वामी पन है आपका और दास पन है आपका, स्वामी पन है आपका और दास पन है आपका, आपके अर्पण है ये मेरा नहीं तन आपका, ले लो चरणों में लगा लो, मेरा है मन आपका। राधा स्वामी, राधा स्वामी। सुमरन सबका आदर है, सुमरन सबका रंग, पिंगल जो सुमरन करे वही सादर और संग,
सुमरन सबका सार है, सतगुर दिया अवतार। पिंगल जो सुमरन करे बिगड़ी नेर बनाए, सुमरन को चित दे नहीं मन चंचल भरमाए। पिंगल सुनर पात की कैसे गुरु को पाओ, सुमरन से तिल लगा दे तन की शुद्ध विसराय। पिंगल सुमरन सहज श्री अपना जन्म बनाए, जो चाहे दीदार को सुमर सुमर गुरु नाम। पिंगल सुमरन से मिले मोक्ष अर्थ धन धाम। चार पदार्थ हाथ में नाम सुमरन संगी, पिंगल सुमरन की लागे गुरु कारणी। सुमरन सुमरन क्या करे समझ न आई बात, पिंगल सुमरन क्यों बने जब मन में उत्पात। सुख दुख एक समान करे चित्त की गति धाम, पिंगल सुमरन से मिले सहज ही गुरु नाम। सुमरन सबका मूल है शाखा जप तप ध्यान, पिंगल सुमरन में रहे शील सतोष की खान। सुमरन से मन लाइए मान मोह को भूल, पिंगल सुमरन के किए तन मन हो जो फूल। सुमरन से मन लाइए जैसे मणि भुजंगी, पिंगल मस्तक में रहे कभी न हो चित भंगी। सुमरन से मन लाइए जैसे कामी काम, पिंगल तू इस रह नहीं आठ पैर गुरु नाम। सुमरन से मन लाइए घट का पर्दा खोल, पिंगल मुख को बंद करे मुख को कहो न खोल। सुमरन से मन लाइए आंख कान मुख बंद, पिंगल यो सुमरन करे काटे यम का बंद। तीन बंद लगाए करे सुमरन से मन लाए, पिंगल भव कीर्तन का सुमरन सुगम उपाय। सुमरन मुख से क्या करे तोते की कीरत, पिंगल यह सुमरन नहीं दे बाहर के पट। शब्द में सुरत पिरोर दे ये सुमरत सुमरन से धान, पिंगल इस विद आप ही मन हो जाए शान। सुमरन सबका सार है सुमरन सबका मूल, पिंगल सुमरन साध ले इसको कभी न भूल। सुमरन से दुख जात है सुमरन से सुख होए, पिंगल सुमरन सार को विरला जाने कोय। जो सुमरे सो निकट गए नहीं सुमरे सो दूर, भूले लाखों कोस गए सुमरे निकट हजूर। सुमरन कबहु न भूलिए सुमर सुमर गुरु नाम, पिंगल गुरु की दया से पूरन हो सब काम। राधा सुन मूल ध्यान गुरु मूर्ति, मंत्र मूल गुरु साध, पिंगल मंत्र है वचन गुरु पूजा मूल गुरु पद। आकाश गुरु मूर्ति उज्जवल भानु समान, पिंगल कमलाकार चित सदा उसी का ध्यान। मस्तक गुरु बताइए हृदय गुरु का नाम, पिंगल इस विद जोर है व्यापे मोहन काम। मस्तक में जो गुरु नहीं मन में नहीं गुरु ज्ञान, पिंगल वो नर जगत में लहन पद निर्वाण। गुरु की आज्ञा में चले पाले गुरु के वैन,
किन्नर धन्य वो पुरुष पावे नित सुख चैन। भूला जो गुरुवाक्य को गया विवेक विचार, किन्नर सुजग में पता व्याप रहा संसार। तेजा वृत्ति उत्तम मध्यम संयम ध्यान, किन्नर अदोर माधव के तीरक वर्त समान। आंखों के स्थान पर जान धारणा हो, पिंगल गुरु के रूप का निश्चय दर्शन हो। भजन का सुमरण ध्यान और भजन में अपनी चित्त को दाम, पिंगल चौथा पद मिले गुरुगम में विश्राम। भजन मूल सिद्धांत है भजन त्याग मत मित्र, सिंगल सुई सच्चा भजन गुरु ने सुजन रह चित। शब्द की डोरी पकड़ चले सुन घट अनहद बैन, सिंगल अनहद में रहे गुरु स्वरूप का बैन। सेन मंगन मंडल के बीच में शब्द रागन गोर, पिंगल मद माता रहे सुन अनहद का शोर। अनहद की तो हद नहीं, हद में व्यापा दुख, हद बेहद दोनों तजे पावे पिंगल सुख। हद की बानी मुकुरे मस्तक मेरे बेहद, पिंगल हद बेहद तजे सुई धुन अनहद। नित्य शब्द अभ्यास करे घर अशब्द का ध्यान, पिंगल शब्द के आसरी चढ़ सत के मैदान। सता सत के दूर है सत गुरु का देश, पिंगल शब्द अशब्द में करे गुरु को आदेश। नहीं और हाँ के बीच में सार शब्द को पाए, पिंगल गुरु से पूछ ले शब्द का सहज स्वभाव। शून्य शिखर में पाइए मान सरोवर झील, पिंगल करे स्नान नित्य धार क्षमान गतिशील। जा बानी की गम नहीं जा नहीं मन का मेल, पिंगल उस मैदान में जाकर निजन खेल। चंद्र नहीं तारा नहीं भानु का नहीं विस्तार, पिंगल गुरु का देश हो कर सत्संग विचार। शून्य शिखर के ऊपर गिर सुमेर कैलाश, पिंगल तू उस देश की धार ही में आस। नहीं निरंजन ज्योत नहीं नहीं सवेरा सांझ, पिंगल गुरु का देश हो चर चल मन को मान। अंधकार तर ज्योत रखे ज्योत में रखे घट धुन, पिंगल सुन अर्जुन कुछ अभ्यास करे अनहद सुते सुन सुन। माया करते माया तो ठगनी बड़ी ठगत फिरे सब देश, जा ठगने ठगनी ठगी ता ठग को आदेश। माया छाया एक सी बिरला जाने को, भगता के पाछे लगे सम्मुख भागे सो। कबीर माया पापनी मांगे मिले नहात, अनहो तारी झूठ कर लागी डोले साथ। मनहो तारी झूठ करे लागी सो डोले साथ। मोटी माया जब तजे जीनी तजीन जाए, पीर पैगंबर ओलिया जीनी सबको खाए। जीनी माया जिन तजी मोटी गई विलाय, ऐसे जन की निकट से सब दुख गए राय। कबीर माया जात है सुनो शब्द निज मोर, सखियों के घर साध जन सूमो के घर चोर। कबीर माया सूम की
देखत ही कालाड़, जोवा में कोड़ी गटे साईं तोड़े हाड़। कबीर माया रूकड़ी दो पल की दातार, खावत कर चत मुक्त भई संचित नरक द्वार। खान खर्चन वो अंतरा मन में दिल के विचार, एक कवावे साधकु एक मिलावे छार। आधी आंधी आई प्रेम की डटी भर्म की बीच, माया ठाड़ी उड़ गई लगी नाम सौंपी। आशा आशा जग फंदिया रहे और पटाए, गुरु आशा पूरन करे सकल आस मिट जाए। आसन मारे क्या हुआ मिटी न मन की आस, केली के बैल जो घर ही कोस पचास। आशा का ईंधन करो मनसा करो भभूत, जोगी फेरी वे करो बुनिया जो सूत। चौड़े बैठे जाए कर नाम धरा रणजीत, साहेब न्यारा देखिया अंतर्गत की प्रीत। कबीर माया मोहनी मोहे जान सुजान, भागे छोड़े नहीं तक तक मारे वान। कबीर माया पापनी लाले लाला रल्लो, पुरी पुरी कि नहुन भोगिया, पुरी कि नहुन भोगिया इसका अंत दियो। बहुत पसारा जिन करो कर भो थोड़े किरिया, बहुत पसारा जिन किया वो भी गए निराश। जो तू चाहे मुझको मत कुछ रखे आस, मुझ जैसा ही हो रहे सब कुछ तेरे पास। कबीर जोगी जगत गुरु तजे जगत की आस, जो ये चाहे जगत को जगत गुरु दास। कबीर माया मोहनी भयंदियारी लोय, जो सोवे सो गुसरे गए रहे वस को रोय। कबीर माया डाकनी सब काहू को काय, दातों काढ़े पापनी संतों संतों ने बेजार। कबीर माया मोहनी जैसे मीठी खार, सतगुरु की कृपा वही ना तर करती हार। माया दासी संत की वो भी देरिया, असीत बिकसी और लातों छरी सुमर सुमर जगदीश। मीठी सब कोई खास है विश्व लागे दाय, जीवन कोई पीवती सर्व रोग मिट जाय। माया तरवर त्रिवजेन सुख दुख संताप, शीतलता सुपने नहीं पर भी का संताप। कबीर जग को क्या कहूं भव जल बूढ़े दास, सत नाम को छण कर करे मनुष्य की यास। गुरु को छोटा जान करे दुनिया आगे दीन, जीवों को राजा कहे प्रजा के अधीन। जिनको साई रंग दिया कभी न होए कुरंग, दिन दिन वाणी उजली चले सवारा रंग। माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम माए परंत, कोई कहे गुरु ज्ञान से उभरे साधु संत। कंचन तजना सहज रहे सहज त्रिया काने, मन बढ़ाई की सां दुर्लभ तजनी। माया तजी तो क्या हुआ मान तजा नहीं जाए, मान बड़े मुन बड़े गले मान सवन को खाए। काला मुख कर मान का आदर लावाय, मान बढ़ाई छोड़ कर रहे नाम सोलाय। मान बढ़ाई कुकरी धर्मराज दरबार, दीन लकटिया बायरा सब जग खाए पार।
प्रभुता को सब कोई भजे, प्रभु को भजन को कह कबीर प्रभु को भजे, प्रभुता तेरी हो कबीर ऊंची नाक को एंटत जा संसार ताते हरे हाथी किया नाक दिया गर चाय बड़ी बड़ाई ऊंट की नदे जहां तक साथ सब दे लदनी लाद के ऊपर चढ़े खवास ऊंचे कुल में जन्मिया देव बरी अस्तूर पर ब्रह्म को ना चढ़े बात बू ना फूल ऊंचे कुल के कारण है भूल रहा संसार ठाकुर को क्या लाज करूं जब तन होगा चार कबीर घर जाना नहीं जाना कुल परिवार गधा होकर अवतरा महाराज लाज कुमार बड़ी बड़ाई ना सजे छोटा बाल कराए जब दादा फुर्जी भया तेरा तेरा जाए राधास्वन साई आगे साचो साई सांस सुहाय भावे लंबे केस करे भावे गोट मुड़ाए सांच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप जाके हृदय सांच दे ताके हृदय आप साचे कुरिन पति गई झूठे जग पति आए गली गली गोरस फिरे मदरा बैठ बिकाय सांच कहूं तो मारे ये तुरकानी जोर बात कहूं पर लोक की कर गए पकड़े चोर झूठे को झूठा मिले अधका बड़े सने झूठे को साचा मिले तब ही टूटे कबीर लज्जा लोक की बोला नहीं सांस जान बूझ कंचन तजे क्यों तू पकड़े कांच साधु ऐसा चाहिए सांची कह बनाए कह टूटे की फिर जुड़े बिन कई भ्रमण जाए सांचे श्राप न लागई सांचे काल न खाए सांचे को सांचा मिले सांचे माए समाए जाकी सांची सुरत है ताको सांचा के आठ पै चौसठ गरी साही सोनी मेल सांच बिना सुमरन नहीं भाव न वक्त न हो पारस में पर्दा रहे कंचन के विद हो अब तो ये कंचन भये तब हम होते कांच सतगुरु की कृपा वही मन में उपजा सा प्रेम प्रीत का चोड़ना पहन कभी आना तन मन का पल बारे में जो कोई बोले सा जो तू साचा बानिया साची हाथ लगाए अंदर दारू दे करे कूड़ा दूर बहाय तेरे अंदर साथ जो बाहर कचना जनाए जानन जानन हारा जानई अंतर्गत का भाव देखा देना सज गए जो दिल साचा हो साईं के दरबार में पलान पकड़े को राधा स्वामी कबीर संगत साध की घरे और की जाद संगत बुरी असाध की आठों पैरों पाद निर्वेरी निष्कामता स्वामी से तीने विषयों से न्यारा रहे साधु का मते सिंहों के लेंडे नहीं हंसों की नहीं पास लाखों की नहीं बोरियां साधु न चले जमात सिंह साध का एक मत जीवत ही को खाए भावहीन मृतक दशा ताके निकट न जाए जब को तेज घटे नहीं जो घन जुड़े घमंड साधु वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मंड
साधु का हवन कठिन है जो खाड़े की दार, डगमगाए तो गिर पड़े इन्हें चलो तुरे पार। जोन चाल संसार की तोन साध की नाए, डिम्ब चाल करनी करे साध को मत ताए। नाटी दामन बांधी ने नारी सोने, कह कबीर सा साध की हम चरणन की खेल। जागत में साई बसे सो क्यों छाना हो, जतन जतन कर दावी घटे जारी हो। आवत साधन रखिया जातन दिया रोय, कह कबीर वादास की मुक्त कहाँ से होय। साधन भोजन पीत सौ दीजे साध बुलाए, जीवत यस है जगत में अंत परम पद पाए। साध हमारी आत्मा हम साधन के जीव, साधन में हमको यो रहे जो परमध्य पीव। जो परमध्य पीव गए जो रमिया सब ठोर, कठोरता बकता बहुत है मत काढ़े ते हो। साध नदी जल प्रेम रस तापर छालू अंग, है कबीर निर्मल भया साधु जन के संग। समस्कार। साब से सब होत है बंदे से कचुनाए, लाई से पर्वत करे पर्वत आई माए। साहब सम समरत नहीं गरुआ गैर गंभीर, अब मनुम में ठेगुन गए छन को तार तीर। ना कुछ किया न कर सका न करने जोग शरीर, जो कछ किया सुहर किया वे कबीर कबीर। ना कुछ किया न कर सके नहीं कछ करने जो, जो कुछ किया सुहर किया दूजा था पहलो। जो कुछ किया सो तुम किया मैं कछ किया ना, मैं आंखों में किया तुम ही थे मुझ माए। धन धन साई तू बड़ा तेरी अनुपम रीत, सकल भवन पत साइया फिर भी यगम अतीत। जिसके तू जिसके कोई संग नहीं तुझका तू सब हो, सब पर तेरा हुक्म है मेट सके नहीं कोई। इत कुआ उत बावी इत उत था होता, दूध से अपना फन करे समरत पार निवाव। घट समुद्र लखना पड़े उठे लहरे पार, दिल दरिया समरत बना कौन लगावे पार। मेरा किया न कुछ बया तेरा किया हो, तू करता सब कुछ करे करता और न कोई। अब गुण हारा गुण नहीं मन का बड़ा कठोर, ऐसे समरत साइया ताहे लगावे ठोर। तुम तो समरत साइया गहकर पकड़ो बाँ, धुरही ले पहुंचाई हो मत छोड़ो मगमाय। बुराद देखन में चला बुरान मिलिया को, जब दिल खो जाए अपना मुझसा बुरान को। कबीर सब से हम बुरे हमसे भला सब को, जिन ऐसा कर बुझिया मित्र हमारा सोय। धरती सब कागज करूं लेखन सब बन राय, सात सिंह की मत करूं हर गुण लिखान जाए। मुझ में इतनी शक्ति कहां गाऊं गला पसार, बंदे को इतनी घनी पड़ा है दरबार। सात दीप नौ खंड में तीन लोक ब्रह्मंड, कह कबीर सब को लगे दीर्घ दरे का दंड। दीर्घ दरे का दंड जो सब काऊ को हो,
ज्ञानी गुप्त ज्ञान से अज्ञानी रहे होए। भूप दुखी अवधु दुखी दुखी रंग विपरीत कह कबीर ये सब दुखी सुखी संत मन जीत। साही तुझ सेवा कारी नाहि बिकाय जाके सिर पर तू दनी लाखों मोर कराय। बालक रूपी साई हाँ खेले सब घट माय जो चाहे सो करत गए भव काहू को नाय। साई मेरा बानिया सहज कर गोपार बिन दंडी बिन पालड़ा तूले सब संसार। राधा स्वामी कबीर नौबत अपनी दस दिन ले वो बजाय वो पुर पाटन ये गली बोरन देखो आर। सातों शब्द बाजते घर घर होते राग ते मंदिर खाली पड़े बैठन लागे काग। ऊंचा महल सुनावते करते होड़म होड़ सुवरन कली ढलावते गए पलक में छोड़। पत तत्व का पूतला मानस दरिया नाम जिनाचार के कारण फिर रो कैठाम। कबीर मंदिर लाख का जरिया हीरा लाल जिनाचार का पेखना बिनस जाएगा काल। कबीर मरेंगे मर जाएंगे कोई न लेती नाम उजड़ जाए बसाएंगे छोड़े बसंता गाम। मीत बिसारी बाबरे अचरज की ना कौन मौत बिसारी बाबरे अचरज की या कौन। तन माटी मिल जाएगा जो आटे में नोन। जन्म मरण दुख याद करी कूड़े काम निवार जिन जिन पंथों चालना सोई पंथ समार। कबीर खेत किसान का मेरा काला जार खेत बेचारा क्या करे जो धनी करे नहीं बार। क्या किए हम आए के क्या करेंगे जाय उठ के भय न उठ के चाले मूल गमाए। कबीर गुरु की भक्ति विनय नार कुकरी हो गली गली घूम सत फिरे टूक न डारे कोई। कबीर गुरु की भक्ति विनय राजा गदगा हो माटी लगे कुमार की घास न डारे कोई। काया मंजन क्या करे मुकुरा दो यम दो उज्जल हुआ तो छूट सी सुखरी दड़ी न सोय। उज्जल पहने कापुरा पान सुपारी खाए कह कबीर की भक्ति दिन कह कबीर गुर की भक्ति दिन बांधा यमपुर जाए। मोर तोर की जेवरी बटवांदा संसार दास कबीरा क्यों बंधे जाके नाम आधार। मोर तोर की जेवरी बटवांदा संसार दास कबीरा क्यों बंधे पाया नाम आधार। जो जाना जस गेरो को सो क्यों तोड़े मित्र जैसे पर पाहुना रहे उठाए चित। दुर्लभ मानस जन्म ने देखन बारंबार सरवर जो पत्ता दरे बोरन लागे डाल। आईने सो जाएंगे राजा रंक पकीर एक सिंहासन चढ़ चले एक बांधे जात सरी जगीर। सत्य नाम जाना नहीं हुआ जो बहुत अकाल भूल मरेगा बापुरा बड़े बड़ों की लाज। सत्य नाम जाना नहीं
चुकार की गात माटी भया कुमार की घनी सहजा लात। नमो सतगुरम सच्चिदानंद रूपम, नमो अद्भुतम अद्वितम अनुपम, नहीं रूप कोई सब रूप तेरे, तेरे सब पर जा और भूख तेरे धरातन करता, जब कुछ कया दुखी जीन को अंग अपने लगाया, दिया संग सबका मिला सबका जीवन, तेरे नाम पर की सम्मान है, राजा स्वामी चरण कहते हैं तुम्हारा।